तो अब मैं आपको वो चीजें बताना चाहूंगी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए तब जब आप एक रेफ्रिजरेटर परचेज कर रहे हो। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपना सुटेबल रेफ्रिजरेटर परचेज कर पाएंगे। सबसे ज्यादा मायने रखता है अगर आप कोई भी रेफ्रिजरेटर या कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला आप यही क्वेश्चन करते हैं कि हमारा बजट क्या है। उतने ही बजट में आप कोई सामान खरीद, पर जैसे कि रेफ्रिजरेटर लेना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप इसे बार बार नहीं बदलते, तो आप अपने बजट का बहुत ज्यादा ध्यान में रखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट जो आपको पॉइंट देखना चाहिए वो है कि कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। जो रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी है ये मेजर होती है लीटर में, तो आपको हमेशा सोचना चाहिए कि आपको कितने लीटर का फ्रिज चाहिए, और इसके लिए वो अपनी फैमिली का साइज ध्यान में रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 2 से 3 जनों की फैमिली है तो आप 150 लीटर से लेके 250 लीटर तक का फ्रिज आसानी से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी 4 या 5 मेंबर्स की फैमिली है तो उसके लिए आपको 250 लीटर का या 500 लीटर का फ्रिज चाहिए होगा, लेकिन अगर आपकी 4 जनों की फैमिली है तो आप 250 लीटर से लेके 350 लीटर तक का फ्रिज भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी फैमिली है, यानी कि 6 या 7 पीपल हैं या उससे ज्यादा पीपल हैं, तो जो रेफ्रिजरेटर की कैपेसिटी रहेगी वो समवेयर बिटवीन 550 to 850 लीटर्स रहेगी। और अगर आप अकेले रहते हैं तो आपके लिए 40 लीटर से लेके 100 लीटर्स का फ्रिज भी कैपेबल रहेगा। तो आपको हमेशा रिक्वायर्ड कैपेसिटी ध्यान में रखनी चाहिए। उसके लिए आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी फैमिली को कितनी कैपेसिटी की, कितनी लीटर फ्रिज की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है डीप फ्रॉस्टिंग का। तो इसमें डीप फ्रॉस्टिंग में आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो डायरेक्ट कूल का और एक फ्रॉस्ट फ्री का। डायरेक्ट कूल में आपको मैन्युअली जाके बटन फ्रिज में बटन दबा के फ्रिज को डिफ्रॉस्ट करना होगा जब आपका फ्रिज पूरा बर्फ से जम जाएगा। और फ्रॉस्ट फ्री में क्या होता है, फ्रॉस्ट फ्री में रेफ्रिजरेटर ऑटोमेटिकली अपने आप ही डिफ्रॉस्ट हो जाता है और वो फ्रिज में बिल्कुल भी बर्फ नहीं जमने देता। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस टाइप का फ्रिज चाहिए, कि आपका फ्रिज जो है वो डिफ्रॉस्टिंग में डायरेक्ट कूल का टाइप हो या फ्रॉस्ट फ्री टाइप हो। नेक्स्ट जिस पॉइंट का आपको ध्यान रखना चाहिए वो है रिक्वायर्ड डोर स्टाइल। ये वैसे ज्यादा मायने नहीं रखता पॉइंट, लेकिन फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनका फ्रिज जो है वो उनके टाइप के डोर स्टाइल का हो, तो ये उनके लिए है। जैसे कि 6 टाइप के रेफ्रिजरेटर्स आते हैं जिसमें एक सिंगल डोर होता है, डबल डोर होता है, ट्रिपल डोर होता है, मिनी मिनी रेफ्रिजरेटर होता है, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर होता है और फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर होता है। टाइप के डोर स्टाइल का रेफ्रिजरेटर लेना चाहेंगे। नेक्स्ट अब जिस पॉइंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है रिक्वायर्ड कंप्रेसर की। किस टाइप का कंप्रेसर अपने रेफ्रिजरेटर में चाहिए, जर्नल या इन्वर्टर? जर्नल कंप्रेसर जो होते हैं वो बहुत ही हाई स्पीड से स्टार्ट होते हैं और कंटिन्यू करते हैं, उसी रन करना उसी कांस्टेंट स्पीड पे। तो इन्वर्टर कंप्रेसर होते हैं वो अपने आसपास की सराउंडिंग को अडाप्ट कर लेते हैं और उतनी स्पीड पे रन करते हैं जितनी अमाउंट की कूलिंग उस टाइम रिक्वायर्ड हो। यानी कि अगर सर्दियां चल रही हैं तो जो इन्वर्टर है वो उस वेदर को अडाप्ट कर लेगा और कूलिंग उतनी ही प्रोवाइड करेगा जितनी रेफ्रिजरेटर को जरूरत है। तो इसमें आपको देखना होगा कि आपको किस टाइप का कंप्रेसर रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो स्मॉल फ्रिज होते हैं उनमें यूजली जनरल कंप्रेसर होता है, लेकिन मीडियम साइज के फ्रिज में इन्वर्टर कंप्रेसर आता ही आता है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो है एनर्जी एफिशिएंसी। कभी भी अगर आप कोई फ्रिज खरीद रहे हैं, चाहे वो नया है या पुराना है, आप हमेशा उसके एनर्जी स्टार लेबल की तरफ जरूर देखें, क्योंकि 5 स्टार का रेफ्रिजरेटर बहुत ज्यादा हाई करेगा, लेकिन वो उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन उसकी लेस होगी 2 स्टार के रेफ्रिजरेटर के मुताबिक। तो हमेशा एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि एनर्जी स्टार लेबल देखकर ही फ्रिज खरीदें। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं ब्रांड वारंटी की। काफ़ी सारे रेफ्रिजरेटर्स बहुत ही लिमिटेड वारंटी पीरियड के साथ आते हैं, तो ये एडवाइजेबल है आपको, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप हमेशा ब्रांड कितनी वारंटी ऑफर कर रहा है एक रेफ्रिजरेटर पर, यही देखकर खरीदें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दो और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप इनमें से कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदने का सोच रहे हैं तो आपको इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इन्हें अमेजन से परचेज कर सकते हैं बहुत ही ज्यादा आसानी से।
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।